हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। बात करें स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की तीन स्टेट्स आती हैं। एक हमारे पास होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और नेचुरल इक्विलिब्रियम। बात करें पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, एक टेबल पे एक प्रोजेक्टर रखा हुआ है। अब इस प्रोजेक्टर को अगर हम देखें तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे होगा, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्टर का पूरा जो वेट है यहाँ पे एक्ट कर रहा है। अगर मैं इस प्रोजेक्टर को एक साइड से ऊपर टिल्ट करूं, उसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद अगर मैं इसे छोड़ दूं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो ऐसे तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन हमारे पास है, ए बॉडी इज सेट टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजिशन। यानी एक कोई भी ऐसी बॉडी जिसे हम अगर स्लाइडली टिल्ट करें, उसे छोड़ने पे वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे वापस आ जाए, तो ऐसे टाइप के इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड टाइप हमारे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसे समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक कोन है, और कोन का अगर सेंटर मास देखें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, राइट। अब इस कोन को मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तो ये हो जाएगा टिल्ट। टिल्ड होने के बाद इसका जो सेंटर मास वो तो डाउनवर्ड हो रहा है एक्ट, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो सेंटर मास होगा उसके हिसाब से अगर इसे मैं वापस छोड़ दूं तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में वापस नहीं आएगा, इसीलिए क्योंकि उसका मास जो है या सेंटर ऑफ मास है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो ऐसे तरह की इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात करें डेफिनेशन की, तो हमारे पास डेफिनेशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की ये आती है कि इफ ए बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजिशन वेन सेट फ्री आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट इज सेट टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे इसे हमने टिल्ट किया और फिर वापस छोड़ा तो ये अपनी एक्चुअल पोजिशन में नहीं आई, तो इसका मतलब है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाता है नेचुरल इक्विलिब्रियम। इसे समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉल है, और बॉल की इनिशियल पोजिशन ये है। अब इसे अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, और ये एक्सटर्नल फोर्स जब लगेगी तो ये एक नई पोजीशन में आ जाता है। अब इस कंडीशन में या इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे नेचुरल इक्विलिब्रियम। बात करें डेफिनेशन की, तो हमारे पास डेफिनेशन है, इफ ए बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट इज सेट टू बी इन द स्टेट ऑफ नेचुरल इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास या सेंट्रल ग्रेविटी है ना, वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये था हमारे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, उसी के साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। मींस नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक इट, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन।